हैं? क्यों रो रही है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं पहले बताओ तो मैं बंद करूँ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊंगी। आप बता दो मैं बंद कर दूंगी। इडली मम्मी मुझे ना बाबू की बहुत याद आती है। मैंने जब दुकान पे जाते शाम तक खाना नहीं खाता, भूखे के भूखे काम करते, कुछ भी नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं करते, सीधे काम काम तो सुबह मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना, पापा का मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो सुबह ही खाते, शाम को खाना खाते क्यों? आप आगे होके बैठाओ, बताओ। रात को आके खाते ना बेटा। रात को खाते ना, लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना, मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। और रात को भी वो बिना कुछ खाए पिए चले गए तो मेरे को उनकी टेंशन नहीं आएगी तो किस आएगी? ये बात सुन, दुनिया के हर बच्चे को अपने पापा की टेंशन होती है। अच्छा, इसीलिए वो दुबली पतली हो जाती है। अच्छा, खाना खाएंगे ना, वो भी अंकल को सामान देना ज्यादा जरूरी था। लेकिन भूखे भूखे तो बेटा, अगर अभी वो खाना खाने बैठते और उनके ग्राहक निकल जाएगा तो उनका ग्राहक चला जाएगा। वो नरेश अंकल आते ना, उनका ग्राहक बैठा उनके दुकान पे, उनको देना तो पड़ेगा ना उनका सामान। तो मम्मा खाना खा कर इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? आके